हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे 12th की बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा जनन स्वास्थ्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 12th बायोलॉजी। चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत अगर बात की जाए, इसका दो वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये तीसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा MTP और IVF, जेफ्ट, जेफ्ट के और AI, इतने टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं EMTP क्या होता है ना। तो EMTP की अगर बात किया जाए, EMTP का मतलब होता है, EMTP इसका मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। इसका मतलब ये होता है सगर्भता का चिकित्सा द्वारा, समापन, या इसे एबॉर्शन भी कहा जाता है। जब अनवांटेड चाइल्ड या फिर किसी विशेष स्थिति में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसका चिकित्सा के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जाता है। इसके कारण की अगर बात की जाए, इसके क्या कारण हो सकते हैं, फॉर रीजन, इसको कारण में सबसे पहला ये होता है असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध से समापन, से गर्भता जब असुरक्षित यौन संबंध से गर्भता हो जाती है, तब उसका चिकित्सा के द्वारा समापन किया जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, बलात्कार द्वारा उत्पन्न सगर्भता, इसके कारण अगर सगर्भता होती है, तब भी उसे चिकित्सा के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात की जाए, तीसरे गर्भ निरोधक साधनों का असफल होना,
असफल होने पर, इसके असफल होने पर भी चिकित्सा के द्वारा उसका समापन कर दिया जाता है। या फिर अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो भ्रूण होता है उसमें किसी भी प्रकार का, भ्रूण में किसी भी प्रकार की व्याधि, तब भी उसे चिकित्सा के द्वारा उसका एबॉर्शन कर दिया जाता है ना। या फिर एक और पॉइंट है, उस कंडीशन में चिकित्सा द्वारा असहकर्मता समाप्त किया जाता है जिसमें मां और बच्चे दोनों को खतरा हो, दोनों को खतरा, इसके द्वारा भी सहगर्भता को समाप्त कर दिया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें ये ज्यादा प्रायोरिटी रहती है कि माँ को बचा लिया जाए, चाइल्ड की भरे डेथ हो जाए तो, है ना। तो ये सब EMTP के अंतर्गत आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं IVF की तरफ। IVF की अगर बात की जाए IVF या इसे कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। ये टेस्ट ट्यूब बेबी किसके द्वारा पॉसिबल होता है, IVF के द्वारा। या इसे कहा जाता है IVF की अगर बात की जाए तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया जाता है। इसमें पहले अगर एक्सपेरिमेंट की बात किया जाए तो पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, प्रथम प्रयोग जो हुआ था वो 1959 में हुआ था। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर पेटुसाई, डॉक्टर एट्रू साई। इन्होंने सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया था, और वो जो नवजात शिशु था वो केवल और केवल 29 दिन तक जीवित था, है ना। यानी डॉक्टर पेटू साई के द्वारा जो टेस्ट ट्यूब बेबी पहला बनाया गया था, है ना, वो केवल और केवल 29 दिन तक ही जीवित रहा। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, द्वितीय प्रयोग। द्वितीय प्रयोग की अगर बात की जाए तो द्वितीय प्रयोग जो किया गया 25 जुलाई 1978 को, 25 जुलाई 1978 को दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, जिसमें से दो डॉक्टरों के द्वारा किया गया, जिसमें से पहले जो डॉक्टर है उन्हें कहा डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो, पैट्रिक स्टेप्टो, और दूसरे जो डॉक्टर हैं उन्हें कहा जाता है
रॉबर्ट एडवर्ड, रॉबर्ट एडवर्ड है ना। इन दोनों डॉक्टरों ने एक दंपत पर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था लेसले और गिलबर्ट ब्राउन। लेसले और गिलबर्ट ब्राउन, ठीक, इन दोनों के द्वारा इन पर एक्सपेरिमेंट किया गया। इनके ओवम को निकाल करके और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया गया और इनसे उत्पन्न हुआ जो नवजात शिशु था उसका नाम है लुइस जोआय ब्राउन। ये एक गर्ल थी। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था है ना। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया तो 1959 में डॉक्टर पेट्रोसाई के द्वारा नवजात शिशु वो शिशु केवल 29 दिन तक जीवित था। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया 25 जुलाई 1978 को डॉक्टर बैटिक स्टेप्टो और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा लेसले और गिलबर्ट ब्राउन पे किया गया और उनसे उत्पन्न हुआ लुइस जोआय ब्राउन है ना। अब उसके बाद आगे की बात किया जाए तो उसके बाद इंडिया वाले भी कम थोड़े हैं, इंडिया वाले भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। तो इंडिया में जो एक्सपेरिमेंट तीसरा किया गया, तृतीय प्रयोग, तृतीय प्रयोग जो किया गया वो किया गया 3 अक्टूबर 1978 को ही एक्सपेरिमेंट किया गया डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के द्वारा, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी का। और इनसे जो चाइल्ड उत्पन्न हुई उसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। ये भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है ना। इसकी अगर बात किया जाए तो ये कहाँ की थी, ये कोलकाता, अर्थात इनका जो एक्सपेरिमेंट किया गया डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के द्वारा वो कोलकाता में किया गया और ये भारत की पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया होती है किया कैसे जाता है, यानी आईवीएफ जो होता है वो किया कैसे जाता है, तो इसकी कुछ विधियां होती हैं। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो किया जाता है उसके प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो उसके मुख्यतः चार चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कि जो प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः चार चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला होता है ओसाइट्स को एकत्र करना है ना। दूसरे अगर चरण की बात किया जाए तो दूसरे चरण में क्या होता है, आईवीएफ किया जाता है, आईवीएफ किया जाता है यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। उसके बाद तीसरे चरण की अगर बात किया जाए इसमें भ्रूण कल्चर या संवर्धन किया जाता है। चौथा चरण जो होता है
उसमें क्या किया जाता है, भ्रूण स्थानांतरण। ये चार चरणों से आईवीएफ की प्रक्रिया की जाती है। ओट्स साइट्स को एकत्र करने का मतलब ये होता है कि यहां मादा का जो अंडाणु होता है और नर का जो शुक्राणु होता है उसे एकत्र कर लिया जाता है ना। अब उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब में, परख नली में निषेचन, यानी परख नली में निषेचन की क्रिया शुरू की जाती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। और इसकी जो प्रोसेस होती है वो 12 से 13 घंटे, 12 से 13 घंटे में की जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद इसका भ्रूण का कल्चर किया जाता है, यानी संवर्धन किया जाता है, संवर्धित किया जाता है 24 से 30 घंटे में, 24 से 30 आवर्स में, घंटे में इसका संवर्धन होता है। उसके बाद चौथे प्रोसेस की अगर बात की जाए, इसका संवर्धन जब होता है तो जो भ्रूण बनता है उसमें विदलन क्रिया, यानी यहां पर जब संवर्धन हो जाता है तो भ्रूण जो होता है उसमें विदलन क्रिया आरंभ हो जाती है, विदलन क्रिया आरंभ। ठीक, उसके बाद विदलन क्रिया आरंभ होने के बाद, यानी दो कोशिका दो के बाद, 4 4 से 8 8 से 16, इस प्रकार से कोशिकाएं बनती हैं। अब उसके बाद अंतः भ्रूण का, यानी जो एम्ब्रियो बना होता है परखनली में, उसे यूटेरस में स्थानांतरण कर दिया जाता है, यानी यह मादा के गर्भाशय में रोपण है ना। तो ये चौथे प्रोसेस में क्या किया जाता है, भ्रूण का स्थानांतरण, अर्थात जो टेस्ट ट्यूब में बेबी बना है, जो भ्रूण बना है उसका मादा के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। और उसके बाद मादा को 2 से 7 घंटे तक विश्राम करने के लिए बोला जाता है, यानी भ्रूण स्थानांतरण के बाद तुरंत मादा को बोला जाए 2 से 7 घंटे तक रेस्ट करिए आप। ठीक है, तो ये इतनी प्रोसेस के द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब आगे बढ़ा जाए, इसके क्या लाभ होते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के, क्या लाभ होते हैं? तो इसके अगर लाभ की बात किया जाए, यानी आईवीएफ का लाभ क्या होता है, तो सबसे पहले लाभ की अगर बात की जाए तो बांझपन, बांझपन की समस्या को दूर करना, यानी आईवीएफ के द्वारा बांझपन की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, अच्छे लक्षणों, अच्छे लक्षणों वाले शिशु प्राप्त। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस तरीके का बेबी चाहते हैं उसी तरीके का आपको बेबी मिल सकता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा। हाइब्रिड चाहिए, हाइब्रिड मिल जाएगा, या फिर किसी विशेष व्यक्ति के जैसे अगर चाहिए तो उस तरीके का भी मिल सकता है, बट फर्क ये होता है उसका स्पर्म लाना पड़ेगा।
अब उसके बाद अगर बात की जाए, जिस प्रकार प्लांट में हाइब्रिड प्लांट होते हैं, सेम वही प्रोसेस होती है मानव में भी। आईवीएफ के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अगर लड़का ही चाहिए केवल तो लड़का ही होता है, और उससे भी अच्छे अगर लक्षण चाहिए उससे भी अच्छे लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं आईवीएफ के द्वारा या टेस्ट ट्यूब के द्वारा। तीसरे लाभ की अगर बात किया जाए तो तीसरे लाभ में शुक्राणु की समस्या का समाधान। इसका मतलब ये होता है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, यानी वो निषेचन क्रिया करने के योग्य नहीं रहता है। उसकी कोई बात नहीं है, शुक्राणु दूस मतलब बाहर से मंगा करके उसको फर्टिलाइज करके टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद माता के यूटेरस में उसे रोपित कर दिया जाता है। यानी शुक्राणु बाहर से लाने के बाद भी उसका फर्टिलाइजेशन क्रिया की जा सकती है। चौथे लाभ की अगर बात किया जाए तो चौथे लाभ में सेरोगेट मदर, इसका धाय माता हिंदी कहा जाता है इसे। इसका मतलब ये होता है कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका जो यूट्रस होता है वो बेबी के लिए परफेक्ट नहीं होता है, या फिर अगर बॉलीवुड की बात किया जाए तो कुछ हीरोइंस ऐसी होती हैं जो अपने अंदर अपने ही बीवी को पालने में पालना नहीं चाहती, उनका फिगर खराब हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि सेरोगेट मदर का यूज करते हैं, अर्थात अपने हस्बैंड का स्पर्म और अपना ओवम यानी अंडा निकालेंगे और उसे किसी भी ऐसे महिला को देंगे जो मतलब पैसे दे करके उसे अपने बीवी को पालने के लिए कहेंगे। उसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी आफ्टर 9 मंथ, जब न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा उसके बाद पैसा दे करके अपने बीवी को ले आते हैं। तो इस प्रकार ये लाभ होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब उसके बाद गिफ्ट और गिफ्ट की बात कर लिया जाए और गिफ्ट की अगर बात करें, सबसे पहले गिफ्ट की बात कर लिया जाए। इसका मतलब होता है गैमीट, इंट्रो, फाइलोपियन ट्रांसफर। है ना, इसका मतलब ये होता है कि गिफ्ट का मतलब ये होता है गैमेट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब ये होता है कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती, अर्थात उनकी ओवरी जो होती है वो सही प्रकार से अंडाणुओं का निर्माण करने में असमर्थ होती है। उन महिलाओं में के लिए जो अंडाणु बनाने में असमर्थ है उनके लिए विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है जिफ्ट या गैमेट, जो होता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। है ना, इसमें अगर बात की जाए तो 8 ब्लास्टोसिस्ट का या ब्लास्टोमीयर जिसे कहा जाता है, ब्लास्टोमीयर का ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। है ना, उसके बाद अगला जिफ्ट की अगर बात किया जाए, जिफ्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है जाइगोट, इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर।
इसका मतलब ये होता है कुछ महिलाओं की जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो सही प्रकार से फर्टिलाइज नहीं कर पाती, यानी जो एम्पुला पाया जाता है, अंडवाहिनी जो पाई जाती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्थेमस, एम्पुला और फिम्ब्री होता है। उसमें जो एम्पुला पार्ट होता है वो फर्टिलाइज करने के योग्य नहीं होता, अर्थात उसमें गांठ पड़ जाती है, तो इसलिए जाइगोट बनाया जाता है, भ्रूण बना करके उसके यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ जाइगोट यानी भ्रूण का स्थानांतरण, ठीक, इसमें भ्रूण का स्थानांतरण कर दिया जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए एआई का, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन इसका मतलब होता है कृत्रिम वीर्य सेचन, कभी कभी क्या होता है कुछ पुरुषों में वीर्य सेचन की जो क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती है या अनयूजुअल रहते हैं वीर सेचन करने में, तो उनके द्वारा या फिर किसी स्त्री को अच्छे लक्षण वाले शिशु चाहिए, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से वीर को सिंचित किया जाता है, अर्थात स्पर्म को सिंचित किया जाता है। जिस प्रकार इसमें अगर बात किया जाए तो बफेलो या काओ में सीमन वगैरह पड़ता है, वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है, यानी एआई के द्वारा किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा किया जाता है। तो आज बस इतना ही, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए और जितना हो सके शेयर करिए। जय हिंद।